हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आपका स्वागत है मेरे इस क्लास में। मैंने आपको पिछले वीडियो में अनुपात और समानुपात से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बताए हुए थे, जिसमें हमने रूल नंबर 1 बता चुके थे। तो अब हम आज आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 जिसमें हमें तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर बटे ए। अब ये आएगा कैसे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लेंगे, एक संख्या लेंगे ए, और ये हो गया अनुपात। उसके बाद लेंगे बी, और फिर हम यहाँ पे समानुपात का चिन्ह लिखेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे बी, उसके बाद फिर से अनुपात, और यहाँ पे हम एक्स मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो संख्या है ये पहला संख्या है, और ये जो संख्या है ये मध्यानुपात का संख्या है, और ये जो संख्या है ये तीसरा नंबर का संख्या है। तो हमें ये तृतीय अनुपात निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू पता करना है कि क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लाई होगा वो ए मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे मध्यानुपाती है यानी बी का गुना बी से करेंगे, तो बी गुने बी हो जाएगा। तो ए गुने एक्स का मतलब होता है ए एक्स, और यहाँ पे b गुने बी का मतलब होता है बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगा बी स्क्वायर बटे में a आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर बटे a होता है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। यदि दो संख्या 5 और 9 दिया हो तो हमें तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये जो पहला नंबर में जो संख्या है वो a का वैल्यू होता है, ये a का जो वैल्यू है वो 5 है, और ये जो वैल्यू है ये b का वैल्यू है जो कि 9 है। अब हम यहाँ पे तृतीय अनुपात निकालेंगे, तो तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा b स्क्वायर बटे में a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर बट्टे में ए। अब बी स्क्वायर का मतलब हो गया बी का वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो 9 का स्क्वायर अब बट्टे में आ जाएगा 5। तो इस तरह से 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81, बट्टे में आएगा 5। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16.5×10। इसका मतलब हुआ तृतीय अनुपात जो इसका है 16.2 है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 इसमें हमें चतुर्थानुपात निकालना है। चतुर्थानुपात इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी सी बटे में ए। कैसे होगा ये हम देखते हैं कि एक संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, तीसरा संख्या जो है इसमें सी है, और चौथा संख्या यहाँ पे हम एक्स मानेंगे, और यही चौथा संख्या जो है चतुर्थ अनुपात कहलाता है। तो हमें यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, और एक्स का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को गुना करेंगे। तो ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, और यहाँ पे मध्य अनुपात को गुना कर लेंगे, यानी बी का गुना हो जाएगा सी से।
तो बी गुने सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए गुने एक्स का मतलब होगा ए एक्स, और यहाँ पे बी सी का मतलब हो जाएगा, यानी बी गुने सी का मतलब बी सी। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा बी सी के बट्टे में ए। तो इस प्रकार से चतुर्था अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो बी सी के बट्टे में ए होता है, बी सी के बट्टे में ए होता है। अब हम इस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं बनाकर। यदि यदि यहाँ पे तीन संख्या दिया जाएगा 5, 9 और 21, 9, 5 और 21 का चतुर्था अनुपात ज्ञात करें, चतुर्था अनुपात ज्ञात करें। चतुर्था अनुपात क्या होगा? तो चतुर्था अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और ये है बी का वैल्यू 9 दिया हुआ है, और ये सी का वैल्यू दिया हुआ है 21। अब हम चतुर्था अनुपात निकालेंगे। तो चतुर्था अनुपात का जो फॉर्मूला होता है, चतुर्था अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी सी बट्टे में ए, बी सी बट्टे में ए। तो बी सी का मान देना है, पहले बी का मान दिया हुआ है यहाँ पे 9, फिर सी का मान दिया हुआ है 21, और ए का वैल्यू दिया हुआ है 5। अब हम इसको गुना कर लेंगे, तो 9 से गुना करने पर 9 का 9, फिर 9 से गुना करने पर 9 गुना 18 बट्टे में आएगा 5। अब 5 से इसको हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, तो 5 3 15 हो गया, 3 बच के 39 हो गया, 5 7 35 हो गया, 4 बचा 4 पे 0 40, 5 8 40, मतलब इस प्रकार से चतुर्था अनुपात मेरा 37.8 निकल गया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 में अगर हमें ए रेशियो बी दिया रहे 2:5, फिर से दिया रहेगा बी रेशियो सी दिया रहेगा 3:4, तो हमसे पूछा जाएगा कि बताइए आप ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी लिख लेंगे, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी जिसका वैल्यू दिया हुआ है 2:5, उसी प्रकार नीचे में हम अगर देखेंगे तो ये ए बी था और नीचे में है बी सी, यानी बी के बाद सी है, यानी बी से स्टार्ट किया गया है, तो हम यहाँ पे बी के सामने में बी और इसके आगे में सी लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ बी का जो मान है वो 3 है और सी का मान 4 है, तो यहाँ बी का जो वैल्यू होगा 3 है, ये होगा 5 के सामने में, और इसके बाद सी का जो वैल्यू होगा 4 वो होगा बी के बाद। अब हम इसको ए प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि ये होगा ए रेशियो और ये सामने में हो गया बी रेशियो और ये हो गया सी रेशियो। तो हम यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम रहेगा मेरा कि इस दोनों का हम गुना कर देंगे, तो 3 का गुना करेंगे 2 से, तो 3 गुना 6 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको गुना कर देंगे, 3 का गुना 5 से करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, फिर रेशियो, उसके बाद क्या करेंगे तो 5 का गुना जो है ये 4 से हो जाएगा, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20। तो इस प्रकार से जो है रूल नंबर 4 में ए रेशियो बी का वैल्यू दिया रहता है और बी रेशियो सी का वैल्यू दिया रहता है। हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों का वैल्यू निकालना है रेशियो में कि होगा क्या। तो उसके लिए ऐसा मेथड का हम यूज करेंगे, इस मेथड का यूज करेंगे कि ए बी रेशियो दिया हुआ था और बी सी रेशियो दिया हुआ था, तो बी के सामने में वैल्यू को हम बी रखेंगे, उसके बाद सी रहेंगे, उसी तरह यहाँ पर भी बी का जो वैल्यू है बी के सामने में रहेगा और इसके बाद हम सी का वैल्यू देंगे। और गुना करने का जो रूल होगा, सबसे पहले 2 का गुना होगा 3 से, फिर 3 का गुना होगा 5 से, फिर 5 का गुना हो जाएगा 4 से। तो इस प्रकार से जो आएगा इसे हम ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो बोलेंगे। तो ये हो गया रूल नंबर 4। अब चलते हैं रूल नंबर 5 में।
रूल नंबर फाइव क्या कहता है, और रूल नंबर फाइव इसमें ए रेशियो बी रेशियो का वैल्यू दिया जाता है। ए रेशियो बी रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, और यहाँ पे बी रेशियो सी का वैल्यू दिया जाता है, बी रेशियो सी का वैल्यू दिया जाता है 5:4। तो हमें बोला जाएगा यहाँ पे कि ए रेशियो सी का वैल्यू बताइए, ए रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें ए रेशियो बी का वैल्यू दिया हुआ है और बी रेशियो सी का भी वैल्यू दिया हुआ है, और डायरेक्टली हमसे ए से लेकर सी का वैल्यू पूछा। इसका मतलब बीच में बी का जो है उसका वैल्यू नहीं पूछ रहा है। ए से स्टार्ट किया गया है और सी पर खत्म किया गया है, इसका मतलब ए से लेकर सी तक का वैल्यू पूछा गया है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे कंडीशन में हम ए बट्टे सी का वैल्यू निकालते हैं, ए बट्टे सी का वैल्यू, और ए बट्टे सी का वैल्यू निकालते हैं कैसे वो देखते हैं। ये है ए रेशियो बी, ए रेशियो बी को ही हम ए बट्टे बी लिखते हैं, ए बट्टे बी, और बी रेशियो सी को ही हम बी बट्टे सी लिखते हैं, बी बट्टे सी। तो इसका मतलब ये हुआ हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए के बट्टे में बी और गुने बी के बट्टे में सी। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो ये बी और ये बी दोनों क्या होगा, कट जाएगा, और कटने के बाद जो है ये बी और बी कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए और बट्टे में बचेगा सी, यानी ए सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए के बट्टे में बी का मल्टीप्लाई कर देंगे बी के बट्टे में सी से, तो यहाँ पे ये बी से बी कटेगा तो ए सी का वैल्यू बच जाएगा। तो इसलिए ए से लेकर सी तक का जब भी वैल्यू पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी रेशियो दिया रहेगा उसको गुना कर देंगे। तो ए के बट्टे में बी का वैल्यू देखते हैं कितना है, ए के बट्टे में बी का जो वैल्यू है ये 2/3 है, क्योंकि इसको बट्टे के रूप में लिखना है, 2/3, तो ये हो गया 2/3। उसी तरह बी रेशियो सी का जो वैल्यू है ये 5/4 है, 5/4। अब हम यहाँ पे काटेंगे, ये 2 से हम इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा, ऊपर में बच गया 5 और नीचे में बच गया 3×6, तो यही मेरा निकलेगा 5:6, जो कि ये कहलाएगा ए रेशियो सी। तो ये भी हो जाएगा ए रेशियो सी, और ये भी हो जाएगा ए रेशियो सी। इसका मतलब ए बट्टे सी को हम ए रेशियो सी बोलते हैं, और जहाँ पे भी रेशियो दिया रहेगा उसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली ए सी का वैल्यू निकल गया 5:C। तो हम जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट पॉइंट निकालेंगे तो जितने भी रेशियो दिया जाएगा सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 है, अगर यहाँ पर ए रेशियो बी का वैल्यू दिया हुआ है 7:3, अगर यहाँ पे बी रेशियो सी का वैल्यू दिया हुआ है 2:5, यहाँ पे अगर सी रेशियो डी का वैल्यू दिया हुआ है 4:3, तो हमसे बोला जाएगा कि ए रेशियो डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ए रेशियो डी का वैल्यू क्या होगा, है ना। ए रेशियो डी का वैल्यू क्या है, तो ए रेशियो डी का वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे ए से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ और डी पे जाके खत्म हुआ। तो ए से स्टार्ट है और डी पे जाके खत्म हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी ए डी का वैल्यू निकालेंगे, यानी ए बटे डी का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मतलब हुआ जितने भी रेशियो दिया होगा सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये ए के बट्टे में बी दिया हुआ था तो ए बट्टे में बी हो जाएगा, गुना करेंगे, उसके बाद बी के बट्टे में सी हो जाएगा, तो यहाँ पे बी के बट्टे में सी हो गया।
फिर गुना करेंगे सी के बट्टे में डी हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा जांचते हैं, क्या जांचेंगे कि ये जो बी है ये बी से ये बी कट जाएगा और ये सी से ये सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच गया ए और यहाँ बच गया डी, यानी ए के बट्टे में डी बच गया, तो इसका मतलब हुआ ए डी का रेशियो निकल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ए के बट्टे में बी का मल्टीप्लाई करना है, बी के बट्टे में सी का भी मल्टीप्लाई करना है, सी के बट्टे में डी। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये जो वैल्यू निकलेगा यही कहलाएगा ए रेशियो डी का वैल्यू। तो ए बी का जो वैल्यू है ये 7 के बट्टे में 3 है, उसके बाद 2 के बट्टे में 5 है, उसके बाद 4 के बट्टे में 3 है। अब हम देखते हैं अगर ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कटने वाला नहीं है, छोड़ देंगे। तो ये निकलेगा मेरा ए रेशियो डी का वैल्यू क्या निकलेगा, तो इसको हम गुना करते हैं, 4 × 8 = 56 हो गया, और यहाँ पे 5 × 15 = 45 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए रेशियो डी का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 56:45। अब हम चलते हैं रूल नंबर 7 पे जो कि लास्ट रूल है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 में क्या है, अगर ए रेशियो बी का वैल्यू दिया रहेगा 3/4 / 5/6, तो हम इस कंडीशन में ये जो ए रेशियो बी है यहाँ पे रेशियो तो दिया हुआ है लेकिन ये भिन्न में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसे हमें डायरेक्ट रेशियो में लिखना है। डायरेक्ट रेशियो में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको बट्टा के रूप से हटा देना है, ये जो बट्टे के रूप में है इसे हमें हटा देना है और डायरेक्ट नॉर्मल रूप में लिखना है, जिसे हम डायरेक्ट रेशियो कहते हैं। अब हमें डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है, ये जो 3/4 है रेशियो है और ये 5/6 है, तो हम इधर भी गुना करेंगे और इधर भी गुना करेंगे, पर गुना करेंगे किससे ये इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे नीचे में 4 है और 6 है, नीचे में 4 भी है और 6 भी है, तो 4 और 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 होगा और ये 3 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको गुना कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करने पे 4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करने पे 4 × 12 हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे इसका जो एलसीएम लिए हैं तो एलसीएम निकल गया है 12, एलसीएम निकल गया 12। अब 12 निकल गया तो क्या करेंगे, हम इधर भी 12 से गुना कर देंगे और इधर भी 12 से गुना कर देंगे, 12 से गुना करने के बाद कटने के बाद जो बचेगा उसको हम डायरेक्ट रेशियो कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, तो ये हो गया 3 को 3 से गुना करके 3 × 9 रेशियो आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 से इसको भी काटेंगे 2 बार में कटेगा, तो ये हो गया 5 × 10। तो इस प्रकार से अगर कोई भी रेशियो भिन्न में दिया जाता है या फ्रैक्शन में दिया जाता है तो उसे हमें डायरेक्ट रेशियो में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो दोनों तरफ एलसीएम से गुना करना पड़ता है, इधर भी एलसीएम से गुना करेंगे और इधर भी एलसीएम से गुना करेंगे। जब दोनों तरफ एलसीएम से गुना हो जाएगा तो जो बचेगा उसे हम डायरेक्ट रेशियो कहते हैं। तो आज का जो थ्योरी क्लास है यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।